ग्रीनलैंड मकाओ का दाना है, ये भी तकरीबन 8-10 साल का दाना है और ये भी बड़ा दाना है। अरे बताएं जी, ये बिलगोट का दाना है, तकरीबन 2 से 2.5 साल का दाना है, बहुत अच्छा दाना है और माशाल्लाह। बड़ा मकाओ का पीस है, इसके बारे में बताएं जी। ये बिलगोट का तकरीबन 10 से 12 साल का। जी रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ सनकिनोर में मौजूद है। जी ये सनकिनोर का पेयर है, अभी तक हमने अलग नहीं किया। जी रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ रेड डोरी मौजूद है आपके पास, ये पेयर है। इसमें जो वायलेट है ये उसमें क्रॉस है, वाइड है, लीनिंग है, ये मिसाल के तौर उसमें क्रॉस में इसमें बड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ेब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। आज हम रेनबो सेंटर में मौजूद हैं, यहाँ के एक अपार्टमेंट में मौजूद हैं, रोजी खान साहब के सेटअप से आए हैं, रोजी खान साहब हमें लेकर आए हैं। तो आइए रोजी खान साहब से मुलाकात करते हैं, मालूम करते हैं कौन कौन से बर्ड्स आपको दिखा रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुना शुक्रा सुना भाई, ठीक हो? ठीक ठाक। ये बताएं कि ये आपने कब से स्टार्ट किया है यहाँ पे रेनबो सेंटर में, इस वक्त हम कौन से अपार्टमेंट में मौजूद हैं और ये कितने बर्ड्स रखे हैं आपने यहाँ पर? भाई ये रेनबो सेंटर में तकरीबन ये मैंने 5-6 दिनों के अभी इधर शिफ्ट किया है, क्योंकि मैंने जमशेद भाई को पहले भी बताया था कि मैंने पहले और जगहों पर जगह बनाया था, तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ता और उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता, तो मुझे परेशानी होता था क्योंकि दुकान को भी देखना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि पहले ऐसे भी मैं 12 बजे का टाइम उठता रहता हूँ, तो इस वजह से जो मैंने बोला मैं अभी करीब लेकर आऊँगा, क्योंकि नीचे मेरा घर है, ऊपर मैंने 12 फ्लोर पे ये जगह रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने मुख्तलिफ बर्ड्स रखे हैं? या भी मैंने मुख्तलिफ किस्म का बर्ड रखा हुआ है, अभी आपको सारा दिखा देगा। और दूसरा बात ये कि अभी इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में मैं बहुत अच्छा सेटअप बनाऊंगा, फिर आपको पूरा सेटअप दिखा दूंगा, अभी तो मैंने ऐसे रखा हुआ आपको दिखा रहा हूँ। छोटा सेटअप है, छोटा सेटअप है, बकाया इंशाल्लाह जो मैं आपको दिखा दूंगा वो मैं 2 फ्लोर पर बना रहा हूँ, वहाँ पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे बड़े बड़े पिंजरे बनेगा, सब कुछ हिसाब किताब बनेगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा दूँगा। अच्छा रोजी भाई, आज आप हमारे व्यूअर्स को कौन कौन से बर्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पर? भाई आपको सब कुछ दिखा देगा, देखो बर्ड तो यही है, मकाव है, अगर फार्म पे भी मैं आपको लेके जाऊँगा, जिधर भी लेके जाऊँगा यही मकाव है, यही काकाटू है, सब कुछ ये बकाया। आप लोगों को जो भी चीज़ चाहिए आप फ़ोन करो, ऑर्डर करो, आपको मिल जाएगा। ब्रीडर चाहिए ब्रीडर मिल जाएगा, बोलने वाला चाहिए बोलने वाला मिल जाएगा, जो भी आप चाहेगा आप ऑर्डर कर दो, सब मिल जाएगा, टेंशन नहीं। चला ये व्यूअर्स रोजी खान साहब के बर्ड्स पर नज़र डालते हैं। जी रोजी साहब, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ ब्लू एंड गोल्ड का एक मकाओ आपके हाथ पे बैठा हुआ, हैंड टेम, इसके बारे में बताएं। जी ये ब्लू गोल्ड का दाना है, तकरीबन 2 से 2.5 साल का दाना है, बहुत अच्छा दाना है और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलता हुआ दाना है ये। तो इसकी एज बता दें? ये तकरीबन है अभी 15 महीने का है। अल्फाजों में कौन कौन से अल्फाज बोल रहे हैं? यही मिट्टू, पापा, क्या हुआ, ये सब कुछ माशाल्लाह बोलता रहता है ये। ठीक है रोजी भाई, इसकी प्राइस बता दें? ये आपको 2.5 लाख रुपये का मिल जाएगा। पर मैं देखा पैदल से थोड़ी, ये अभी थोड़ा कुरेज करे, बाकी सब पर मर साफ होगा, तकरीबन 1-1.5 महीना लगेगा, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। साफ सुथरा होगी जी रोजी साहब। जी रोजी साहब, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक और ब्लू एंड गोल्ड का बड़ा मकाओ का पीस है, इसके बारे में बताएं। जी ये ब्लू गोल्ड का तकरीबन 10 से 12 साल का फीमेल है, DNA पेपर के साथ है, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा ब्रीड के हवाले से? ब्रीड के हवाले से। अच्छा दाना कितनी है? तकरीबन 10 से 12 साल का पुराना फीमेल है। प्राइस बता देगा? ये आपको मिल जाएगा ऐसे, तो हमने इसका 3.5 लाख डिमांड रखा, लेकिन 3-20 तक दे देगा फाइनल, ब्रीडिंग के हिसाब से है, साफ सुथरा दाना, बड़ा दाना है ये। जी रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन विंग मकाओ भी रखा हुआ है, इसके बारे में बताएं। जी ये ग्रीन विंग मकाओ का दाना है, ये भी तकरीबन 8-10 साल का दाना है और ये भी बड़ा दाना है, ये भी DNA पेपर के साथ मिल जाएगा, ये मेल है। ये मेल है, ये ब्रीड के हवाले से? ये ब्रीड के हवाले से। अच्छा इसकी प्राइस बता दें? ये आपको 4 लाख रुपया तक मिल जाएगा। जी रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ इस केज के अंदर 2 काकाटू मौजूद हैं, इनके बारे में बताइए। जी ये गोरिल्ला का कटू का पियर है, बड़ा पियर है, मिच्योर पियर है ये, और साफ सुथरा पियर है, ये आपको ब्रीडिंग के हिसाब से मिल जाएगा। तो इसकी प्राइस कितनी है? ये आपको मिल जाएगा 2,30,000 रुपये का पियर मिल जाएगा। अच्छा ब्रीडर पियर है? जी ब्रीडर पियर। जी रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2 ग्रे पैरेट मौजूद हैं, क्या ये ब्रीडर जोड़े हैं? जी ये ग्रे पैरेट का ब्रीडर जोड़ा है, साफ सुथरा पियर है, बड़ा पियर है, तकरीबन 8-10 साल का पुराना पियर है ये। ठीक है इसकी प्राइस बता दीजिए? ये आपको 2 लाख रुपए का पियर मिल जाएगा। अच्छा अभी ब्रीड के लिए तैयार है? बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। जी रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ सनकिनोर भी मौजूद है। जी ये सनकिनोर का पियर है, अभी तक हमने अलग नहीं किया, इसमें 3 बड़े पियर है और 2 पटे पियर है, और जो बड़े पेयर है वो ब्रीडिंग पेयर है, DNA पेपर के साथ मिल जाएगा, 90,000 रुपये का, और जो पट्टे है वो आपको 80,000 का पेयर मिल जाएगा। पट्टों की यही बता देगा? पट्टों के यही, वो भी तैयार है, अगला साल वो भी ब्रीडिंग में तैयार है, नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह वो भी ब्रीड कर लेगा।
जी रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ झंडा है किन्नौर का पेयर है जी। ये झंडा है किन्नौर का ब्रीडर पेयर है, ये ब्रीडिंग करता हुआ आया हूँ। मेरे पास पेयर ये फुल बड़ा पेयर है, अच्छा पेयर है, साफ सुथरा पेयर है ये। इसकी प्राइस बता दें। ये आपको 70,000 का पेयर मिल जाएगा जी। रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ रेड लोरी मौजूद है आपके पास, ये पेयर है जी। ये रेड लोरी का पेयर है, तकरीबन 3 से 3.5 साल का पेयर है, साफ सुथरा पेयर है, अच्छा पेयर है ये। ब्रीडर पेयर है, ब्रीडर पेयर है ये। ठीक है, इसकी डिमांड कितनी है? ये आपको मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए का जी। रोजी साहब, आपके पास एक पेयर ब्लैक कैप लोरी का भी है, इसका भी इसके बारे में भी बता दें जी। एक ब्लैक कैप है, एक येलो भी है। येलो भी फीमेल है, ब्लैक कैप भी है, वो मेल है। ये पेयर है, बना हुआ पेयर है और ब्रीडिंग करता हुआ पेयर है ये। सर रोजी साहब, इसमें दो कलर लगाए तो इनमें बच्चे कैसे आते हैं? इसका मिक्स कलर आ जाता है, ब्लैक कैप भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है, ये दोनों मिक्स कलर भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। मिक्स कलर आ जाता है, बच्चे आना चाहिए बस। ठीक है, तो ब्रीडर जोड़ा है जी? ये ब्रीडर जोड़ा है। ठीक है, इसकी प्राइस बता दें। 2.5 लाख रुपए का जोड़ा पड़ेगा आपको जी। रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ रिंग नेक्स भी मौजूद हैं, इनके बारे में बताइए जी। ये रिंगनेट का 3 पट्टे है, वाई हेड वाई टेल नहीं, ये उसी का जो है ये पट्टे है ये। पट्टे कितने महीने के? ये तकरीबन है 1 साल के करीब हो गया पट्टे, यानी कुछ ऐसे में तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये तकरीबन अगले साल तक कोशिश की इंशाल्लाह तैयार हो जाए। ठीक है, तो उनकी प्राइस कितनी है? ये आपको मिल जाएगा 1,40,000 रुपये का पेयर। इसका बड़ा पेयर होता है तकरीबन 2,20,000 का बड़ा पेयर है जी। रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ मिनी मकाओ से भी छोटे साइज का मकाओ आपके पास मौजूद है, इसके बारे में बताएं जी। ये मिनी मकाओ का मेरे पास 2 पेयर है, एक माँ बाप है और 2 उसके बच्चे है। ये बच्चे का पेयर आपको मिल जाएगा 1 लाख रुपए का और माँ बाप मिल जाएगा 1,20,000 रुपए का फाइनल। रोजी साहब ये बताएं जी, रोजी साहब ये बताएं 1 लाख से माँ बाप मिल जाता है? बस यार देखो, मिनी मकाओ को मिल जाएगा, बाकी इंसानों को तो नहीं मिलता है। अच्छा, इनकी एज मेंशन कर दिया। तो ये बच्चे तकरीबन है अभी 6-7 महीने का और बड़ा पेयर तो है 5-6 साल का पेयर है ये जी। यहाँ पर भी एक मिनी मकाओ का बड़ा पीस, इसके बारे में बताएं जी। ये मिनी मकाओ से थोड़ा बड़ा मकाओ है, ये मिनी मकाओ से थोड़ा बड़ा मकाओ, बड़ा मकाओ है। इसके बारे में बताएं। ये आपको मिल जाएगा, ये मेल है, ये डीएनए पेपर के साथ 1.5 लाख रुपए का मिल जाएगा आपको। ब्रीड के हवाले से? ये भी ब्रीड के हवाले से जी। रोजी साहब, यहाँ पे ब्लू प्रिंटेड अमेजोन है, इसके बारे में बताएं जी। ये ब्लू प्रिंटेड का पट्टा है, बहुत अच्छा बोलता हुआ दाना है, मिट्टू पापा ये सब कुछ बोलता हुआ दाना है। ये आपको मिल जाएगा 1.5 लाख रुपये का। 1.5 लाख रुपये का जी। अच्छा, हैंड टाइम है या नहीं? हैंड टाइम है जी। रोजी साहब, ये टॉकिंग में क्या क्या अल्फाज बोल रहे हैं भाई? ये तो देखो अभी बोलता रहता है, लेकिन बाद ये जब ये घर में जाएगा, जैसा आप इसको माहौल देगा, ये उसी तरह सब बोलना शुरू कर देगा, नाम वाम सब लेना शुरू कर देगा। ये तो तालीम की जरूरत दे सकता है, तो इसको तालीम की जरूरत है। हाँ, तालीम इसका देना पड़ेगा, एडमिशन करवाना पड़ेगा इसका। हाँ इंशाल्लाह जी। रोजी साहब, यहाँ पे ग्रे पैरेट के बारे में बताएं जी। ये टिमी ग्रे पैरेट का पेयर है, बड़ा पेयर है, तकरीबन 5-5.5 साल का पेयर है। जो उस तरफ गया वो मेल है, जो इस तरफ खड़ा हुआ ये फीमेल है। बड़ा जोड़ा है, अगर किसी को ब्रीडिंग के हिसाब से चाहिए, बहुत अच्छा पेयर है। ठीक है, पेयर की डिमांड बता दें। ये सर तो हम 1.5 लाख मांगते हैं, लेकिन आपकी खातिर 10,000 हम कम कर देंगे, 1,40,000। अच्छा रोजी साहब, मैंने देखा है टीमी ग्रे पैरेट वैसे दिखने में भी कम नज़र आते हैं, और इसके अलावा इनके चिक्स वगैरह भी नज़र नहीं आते, तो ये बताएं कि ग्रे पैरेट कितना ब्रीड करता है, कम ब्रीड करता है? नहीं करता है, ग्रे पैरेट क्यों नहीं करता है भाई? ये भी मार्केट में इसके चिक्स नहीं आते ना? नहीं नहीं आते, क्यों नहीं आते? बस ये होता है क्योंकि ये थोड़ा कम है और इसका चिक्स लोग निकालता नहीं है। ग्रे पैरेट का पेयर है लेकिन उसका लोग निकालते हैं, इसका बच्चे कोई निकालता नहीं, बस ये हो जाए। कभी कभी आ जाता है हमारे पास, ये होता है कि आप लोग वीडियो आने से पहले हम लोग भेज देते हैं, आपको दिखा देते हैं इसके बच्चे भी जी। रोजीला भी मौजूद है जी। ये रोजीला का पेयर आपको मिल जाएगा 50,000 रुपये का, फुल बड़ा पेयर है, ब्रीडर पेयर है, ब्रीड का गारंटी है। अच्छा, ब्रीड की गारंटी है, ब्रीड करता हुआ पेयर जी, ब्रीड करता हुआ पेयर जी। रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ रिंग में जी, रोजी साहब मैं देख रहा हूँ रिंग नेक में काफ़ी यूनिक कलर्स इस वक्त मौजूद हैं, वाइट भी आ रहा है और लाइट ब्लू में है, इसके बारे में बताएं, काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। ये रिग्नेट है, मिक्स कलर इसको बोलता है, इसमें जो वायलेट है ये उसमें क्रास है, वाइट है लीनिंग, ये मिसाल के तौर उसमें क्रास में। इसमें बड़े पेयर भी मेरे पास मिल जाएगा और पट्टे भी मिल जाएगा। पट्टों का पेयर आपको मिल जाएगा 1.5 लाख रुपये का और बड़ों का पेयर आपको मिल जाएगा 4-4.5 लाख रुपये। इसमें फ़र्क है, इसमें 2 पेयर है और बड़ों में भी मेरे पास 2 पेयर है। जो बच्चे भी इसी कलर के आते हैं? बच्चे भी इसी कलर के आते हैं, माँ बाप भी इसी कलर में होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है कलर। ये कलर वाइज अलग स्पीशीज़ है, वाइज अलग है, ये अभी तक आपने खुद भी नहीं देखा होगा जी। इसके बारे में बताएं, काफ़ी मासूमियत से बैठा हुआ है अमेजोन जी। ये मेले अमेजोन है, ये बोलता बहुत अच्छा है, चुटकी बजा, ये सिर्फ टेम नहीं है लेकिन बाकी ये बहुत अच्छा बोलता है, क्योंकि ये सर चुटकी बजाता रहो ये बोलता रहेगा, बच्चों के साथ लेडीज़ के साथ बहुत अच्छा पला हुआ दाना है ये।
मेल है ये? ये मेल है। ठीक है, इसकी डिमांड बताएं। ये आपको 1.5 लाख रुपए का मिल जाएगा, लेकिन इसमें डिस्काउंट कर लेगा इंशाल्लाह, जितना हमारे पास हो के सकेगा इंशाल्लाह हम कर लेंगे। जी रोजी साहब, मैं देख रहा हूँ क्रिमिनो भी आपके पास मौजूद है, इनके बारे में बताइए। जी क्रिमिनो का ये मेरे पास पेयर मिल जाएगा, ब्रीडर पेयर है, ब्रीड करता हुआ आया मेरे पास, ये आपको पेयर मिल जाएगा। ऐसा तो हम इसका 1 लाख रुपये मांगते हैं, लेकिन 90,000 तक पेयर मिल जाएगा आपको। 90,000 रुपये का पेयर मिल जाएगा। अच्छा, ब्रीडर है? ब्रीडर है, ब्रीड का गारंटी है, कार्ड बना के दे देगा आप। ठीक है जी रोजे साहब, ये कौन से पैरेट्स हैं? जी ये किन्नौर में सबसे महंगा वाला किन्नौर है, और इस माशाल्लाह बहुत लोग पसंद भी करते हैं, ये अच्छा पेयर है, DNA पेपर के साथ है ये। अच्छा, यूनिक पेयर है? यूनिक पेयर है, किन्नौर में सबसे महंगा वाला किन्नौर है। सबसे महंगा वाला किन्नौर है। तो उसकी कीमत कितनी है? ये आपको मिल जाएगा 1.5 लाख रुपये का। 1.5 लाख रुपये का ब्रीडर पेयर जी। जी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर एक सिंगल ग्रे पैरेट है, इसके बारे में बताइए। जी एक ग्रे पैरेट है, फीमेल है, और ये टॉकिंग में भी बहुत अच्छा है, और ब्रीडिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा फीमेल है ये। अच्छा, फीमेल है, टॉकिंग के लिहाज से भी अच्छी है और ब्रीड के हवाले से भी जी। तो उसकी एज कितनी है? ये तकरीबन है 6 से 7 साल का पेयर फीमेल है। अच्छा, टॉकिंग में क्या क्या अल्फाज बोले? टॉकिंग में बहुत कुछ बोलता रहता है, अब उसको मैं क्या बताऊँ क्या क्या बोलते हैं, बहुत कुछ बोलता हुआ। इसकी डिमांड बता दें? 1 लाख रुपये इसका डिमांड है। ये देखो अभी भी फुल मस्ती कर रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, नर्वस नहीं हो रही कैमरे के सामने? हाँ, जमशेद भाई खड़ा हुआ है, जमशेद भाई के सामने जो है ये मस्ती कर रहा है। जी रोजी साहब, एक और पेयर है आपके पास ग्रे पैरेट का, इसके बारे में बताएं। जी ये ग्रे पैरेट का पेयर है, ये मेल फीमेल कंफर्म है, लेकिन इसका ब्रीडिंग का कोई गारंटी नहीं, आपको 1,70,000 का पेयर मिल जाएगा। 1,70,000 का ब्रीडिंग का गारंटी? ब्रीड का कोई गारंटी नहीं, 5 से 6 साल का पेयर है, लेकिन ब्रीड का कोई गारंटी नहीं, अभी तक ब्रीड नहीं की, लेकिन मेल फीमेल का गारंटी है। जी रोहित साहब, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काकाटू है, इसके बारे में बताएं। वो ग्रेडल सल्फर का काकाटू है, मेल दाना है, ब्रीडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, और टोकिंग करते हैं, टेम नहीं है, अगर किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए तो ये बहुत अच्छा मेल दाना है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ साइज वाइज भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। हाँ, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। ठीक है, इसकी एज मेंशन करिएगा। ये तकरीबन 7 से 8 साल का दाना है। ठीक है, प्राइस बता दें। ये आपको 3 लाख रुपये का मिल जाएगा। 3 लाख रुपये जी। जी व्यूअर्स, तो ये थे रोजी खान साहब के बर्ड्स, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ बर्ड देखे जैसे मकाओ, ग्रे पैरेट, मिनी मकाओ, सनकिन। और तो आप रोजी खान साहब से इजाज़त लेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे। जी रोजी साहब, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। जी 0300-388-3921, ये मेरा व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी यही नंबर है। और दूसरा बात ये भाई, अगर किसी भी बंदे को मीडियम सल्फर का जोड़े या टाइट्रोन का जोड़े या मिसाल के तौर पर ग्रे पैरेट का या मकाओ का कोई भी पेयर चाहिए तो उसको मिल जाएगा। मेरे पास नीचे भी माल बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन अभी मेरा फैमिली है क्योंकि उधर काम हो रहा है, समझ में आ गया। तो इंशाल्लाह आपको पेयर भी मिल जाएगा सारा, और बकाया मिसाल के तौर पर जिसको जो भी चीज़ चाहिए, तो अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ मिसाल के तौर पर, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, तो उसको जो भी चीज़ चाहिए जो अभी वीडियो पर आ रही है उसका वहाँ से क्लिप लेके मुझे सेंड कर दो, मैं उसको फाइनल मिसाल के अभी तो इसमें मेरा फाइनल रेट होता है, लेकिन फिर भी जो 5-10 हज़ार के होते हैं फिर भी मैं कर लूँगा। अच्छा, आपके बाकी बर्ड्स हैं वो कब दिखाएंगे व्यूअर्स को? बस इंशाल्लाह, अभी मैंने आपको बोला है उधर काम हो रहा है, टहले मेले लग रहे, मार्बल लग रहे, तो थोड़ा काम कंप्लीट होने दो, जगह बन जाएगा तो एक ही दफ़ा दिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह आपको हर हफ्ते दिखाता रहूँगा नया माल के साथ। ठीक है रोजी साहब, चलें रोजी साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, व्यूवर्स का खास ख्याल रखेगा इंशाल्लाह, जमशेद भाई के भी रखेगा, आप लोगों के भी रखेगा, आप लोग मेरा रखता रहो, मैं आप लोगों का रखता रहूँगा इंशाल्लाह, सब लोग आप हमारे लिए दुआ कर, मैं आप लोगों के लिए दुआ कर, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह। तो व्यूवर्स, ये वो जगह थी रेनबो सेंटर में रोजी खान साहब लेकर आए थे, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ बर्ड्स देखे, रोजी खान साहब ने यहाँ पे एक जगह बनाई, यहाँ पे कुछ बर्ड्स रखे हैं, तो उसने मुख्तलिफ बर्ड्स देखे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप व्यूवर्स को पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसी किस्म की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आप व्यूवर्स से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को आप अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपको आपके अहले खाना के साथ खुश रखे। जज़ाकअल्लाह, आमीन, अल्लाह हाफिज़।